दुर्गा पूर्णिमा है भाई आज। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड मेरा नाम रुद कुमार है। स्वागत है मेरे नए ब्लॉग के साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल, क्योंकि अभी हो चुके हैं भाई 11:49। तो भाई अभी तो 11 मिनट बाकी हैं लगभग, तो इस वजह से आपसे गुड मॉर्निंग बोल दिया है। और अभी अभी ना के फ्री हुआ था और भाई अंडे खाए बस, अभी तक चावल खा के भी फ्री नहीं हुआ, क्योंकि जिम गया था मैं लगभग 6:30 बजे। आज लेग डे था तो लेग डे में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इस वजह से 8:30 बजे तक फ्री हो पाया। फिर वहाँ पे थोड़ा बहुत बैठा रहा भाई फ्रेंड्स के साथ, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया मैं। और 12 बजने को चावल भी फ्री नहीं हुए अभी तक मेरे, अभी अभी ना के फ्री हुआ था। बाल काटने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इतने छोटे बाल हो गए। मेरे को उम्मीद नहीं थी भाई कि इतने छोटे बाल हो जाएंगे। जब मैं इनको कटा रहा था ना, तो तब मेरे को लगा नहीं था कि इतने छोटे हो जाएंगे ये बाद में देखने में, लेकिन पता नहीं अब की बार बढ़ जाएंगे, तो इतने छोटे नहीं कराऊँगा भाई। ये रखे भाई अपने सफ़ेद वाले चावल, इनको और सफ़ेद करता हूँ। वाह, चमक गए हमारे चावल एक बार। भाई आज भी मेरे को शादी में जाना है, शादी के व्लॉग अब की बार बहुत ज़्यादा हो गए मेरे यूट्यूब पर इस वाले सीज़न में, क्योंकि मतलब कई शादियों में जा चुका हूँ ना, इस वजह से भाई हर व्लॉग को डाल देता हूँ यूट्यूब पर ही एकदम मस्त। और भाई परसों बारिश पड़ी थी, देखो गैलरी से धूल जम जाती है। मैं रात को चला गया था इसको लेके, और बूंदों की वजह से देखो कैसा हाल हो गया इसका, काफ़ी गंदी हो चुकी है। ये भी धुलवा के लेके आनी है भाई, एकदम चमकवा के लेके आएंगे हम इसको। और जब तक भाई धुल के नहीं आएगी, तब तक मैं इस पर कपड़ा मार दूंगा, जिससे कि क्लीन दिखेगी बिल्कुल। थोड़ी देर में मार दूंगा भाई, चिल्ली में रखता हूँ भाई मैं इसको, देखो एकदम सेफ्टी। लास्ट वाले ब्लॉग में मैंने आपको सब कुछ बता दिया, इसकी जो सेटिंग्स हैं और वाइड एंगल, नैरो एंगल, मिडल एंगल जो कैसे आते हैं वो भी बता रखे हैं भाई। तो जल्दी से जल्दी जाके आप देख लो, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और काफ़ी हेल्प मिलेगी इसको चलाने में। बिगनर के लिए चलाने में दिक्कत आती है ना, तो वो नहीं आएगी बस आपको, आप देख लेना भाई। भाई आज है 5 मई, तो आज बुध पूर्णिमा थी और बाहर कुछ रैली निकली थी, तो मैंने उसकी क्लिप भी बना ली है, जो कि आपने देख ली होगी अब तक। स्टार्टिंग में जो लगाई थी वो बुध पूर्णिमा की ही क्लिप थी, रैली निकली थी घर के आगे से, तो क्लिप बना ली मैंने, काफ़ी शानदार लग रही थी भाई। बिल्कुल वाइट वाइट कपड़ों में थे सब लोग, एकदम मस्त लग रहे थे। फ्रेंड्स मैं अभी चावल खा लेता हूँ, वरना बहुत ज़्यादा लेट होने को आ रहा हूँ भाई। 12 बजने के बाद खाऊँगा क्या पता नहीं यार इनको, तो मैं फ्री कर लेता हूँ भाई इनको, मिलता हूँ थोड़ी देर में बस। शायद मैं इनको छोंकूंगा भाई, तब एकदम टेस्टी टेस्टी चावल हो जाएंगे ये। भाई अभी अभी शादी में जाने के लिए देखो पैंट को मैं फुल फिटिंग करा के लेके आया हूँ, फुल तो नहीं, कहाँ कहाँ से करा के लेके आया हूँ मैं अभी बताता हूँ आपको। बस ये कटवाया है और थोड़ी सी सिलाई लगवाई, बस इतना ही करवाया, इतना ही करवाता हूँ हर बार ही। देखो अब अच्छा फिटिंग आएगा ये, पहन के भी दिखाऊंगा बाद में। लेकिन सो फ्रेंड्स अभी 5-7 हो चुके हैं शाम के, और भाई अभी अभी पैंट को फिटिंग करा के लेके आया था, थोड़ा सा लंबा था और भाई जूतों में अटक रहा था वो, इस वजह से फिटिंग करा के लेके आनी पड़ी उसकी। और हाँ थोड़ा सा जूतों में, जूतों का आधा आ रहा था वो, तो हील्स पहन लेते। हील्स नहीं पहनता हुआ है ये सोया सा बंदा, ये पता नहीं कहाँ कहाँ डोलता रहता। भाई तू कहाँ डोल रहा है, देखो ये लात देने से भी नहीं जगाता अभी थोड़ी देर पहले, गजब बेइज्जती है। देखो भाई मैंने पहन लिया हुआ है ये, मुझे लगता है कि ज़्यादा ऊंचा हो गया है। देखो
शायद नहीं नहीं देखो लग रहा है मुझे इसने तो तूने भी करवाया ना इसने भी करवाया भाई इसने नहीं करवाया बिल्कुल मेरा थोड़ा सा ये ऐसा हो रहा था बहुत ज्यादा चौड़ा चौड़ा पैसे नहीं थे कहाँ है सो अभी हम चल रहे हैं भाई रेलवे ब्रिज पे देख रहे हो ट्रेन खड़ी है भाई कुछ अलग ही भाई रोड देखो आप एकदम नेक्स्ट लेवल है भाई खाते हैं ये बफर में खाना ये राहुल ये भी राहुल आवाज़ तो आएगी नहीं